लड़कियां सब खाना बनाती है तो 200 ग्राम के जगह आधा किलो तेल नहीं डालते हैं। मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है? आम में कौन सा विटामिन होता है? खाते हैं कौन कौन? गेहूँ खाता है हाथ उठा। आटा खाते हैं कौन कौन? आटा खाता है हाथ उठा। सब कच्चा चावल खाते हैं एकदम, भर दिन मुंह में धैले रहेगी, तर 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 करती रहती है। जाओ रे खूब सब। तो चलो, भोजन में क्या क्या आता है? यह चैप्टर ना आप लोगों के सिलेबस में इसलिए दिया हुआ है कि आप लोग के उम्र के बच्चे ना नाक धुनते हैं खाना खाने के लिए। वो कहते हैं हम भिंडी की सब्जी नहीं खाएंगे, तो कोई कहता है हम परवल की सब्जी नहीं खाएंगे, कोई कहेगा हाँ हम करेला का भुजिया नहीं खाएंगे, है ना। तो आपको ये समझाने के लिए सिलेबस आपको ऐड किया गया है ये टॉपिक, कि आप इसको पढ़ो समझो कि खाना कौन चीज़ खाने से हमारे शरीर में क्या होता है, कौन चीज़ फायदा करता है और कौन चीज़ नुकसान करता है, ठीक है ना। यानी कि हमारे भोजन के बारे में, कि भोजन में हमको क्या क्या आता है। नॉर्मली तो सभी आदमी चावल दाल सब्जी रोटी ये सब तो खाते ही है ना। तो हमको इस चैप्टर में यही चीज़ें समझनी है कि कौन चीज़ हमें कितनी मात्रा में खानी चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, है ना। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, निरोगी रखने के लिए, आप मान लो कि आपका तबीयत खराब है, बहुत बुखार लगा हुआ, आपको 103 डिग्री बुखार है, 4 डिग्री बुखार है, आपका देह बुखार से तप रहा है, आपके पास 25 लाख 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो आप कहीं घूमने जा सकते हैं उस पैसों से? नहीं जा सकते हैं ना। आपको क्या चाहिए कि आपके पास पैसा हो या नहीं हो, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आपका मन ठीक रहेगा तो 100 रुपया रहेगा तो कहेगा चल चौक पर से घूम के आते हैं, है ना। यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आपको स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, है ना, भोजन में हमें क्या क्या खाना चाहिए, हमारे शरीर में कोई भी रोग जो होता है, बीमारी जो होता है, किस चीज़ के कारण होता है, ये सब चीज़ें आपको इस टॉपिक में कवर हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स होते हैं, कुछ लवण होते हैं, यानी कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, काम करने के लिए हमको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वसा की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो यह सब चीज़ हमारे शरीर को मिलेगा कहाँ से? हमारे शरीर में कई सारे विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं रहे तो क्या होगा, विटामिन बी नहीं रहे तो क्या होगा, अगर ये चीज़ें कम गई तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, हमारे शरीर में वापस ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सब चीज़ें आप जानिए। तो सबसे पहले कि विटामिन ए बी सी डी के कमी से कौन सा रोग होता है, कैसे हमको पता चलता है कि कौन सा विटामिन की कमी से हमको कौन सा बीमारी हो गया है, वो जानने से पहले आप समझ लीजिए कि विटामिन के स्रोत क्या है, हमारे शरीर में विटामिन आते कहाँ से हैं और कैसे आते हैं। तो सबसे पहले तो वसा, हमारे शरीर को वसा की भी ज़रूरत होती है। तो वसा कहाँ से आता है हमारे शरीर में, हम ऐसा क्या खाएंगे कि हमारे शरीर में वसा की कमी नहीं हो, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमने 8-10 चीज़ों के नाम लिख दिए हैं। अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में वसा की कमी नहीं होगी। चलिए तो सबसे पहले सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी जानते हैं क्या होता है, सनफ्लावर, उसका तेल, अगर आप उसका तेल खाते हैं तो आपके शरीर में वसा की कमी नहीं होती है, है ना। नारियल तेल, तो कहोगे सर नारियल तेल तो सर में लगाते हैं, खाता कौन है, तो नारियल तेल खाने वाला भी होता है। कोकोनट ऑयल फूड ऑयल है, है ना, वो हेयर ऑयल नहीं है, फूड ऑयल है, वो हम लोग अपने यहाँ लगाते हैं, लेकिन तमिल लोग होते हैं, जो तेलुगु लोग होते हैं, जो वो डोसा इडली खाते हैं तो उसके साथ नारियल तेल की चटनी सांबर बनाते हैं, नारियल तेल की सहायता से, है ना, जो उसके खाने को टेस्टी और सुपाच्य बनाता है। तो नारियल तेल खाया जाता है, है ना। उसके बाद सरसों तेल, सरसों तेल तो आप सब भर भर के खाते हैं, है ना, लड़कियां सब खाना बनाती है तो 200 ग्राम के जगह आधा किलो तेल नहीं डालते हैं खाना में, डालती है शिवानी, डालती होगी। चलो उसके बाद सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का भी तेल होता है, अगर आप उस तेल को भी खाते हैं तो आपके शरीर में वसा की कमी नहीं होगी। मूंगफली, गिरी, तिल, ये सब चीज़ का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में किस चीज़ का कमी नहीं होगा, वसा की कमी नहीं होगा, ठीक।
ठीक है ना। चलिए तो अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। अब यानी कि हम क्या खाएंगे पिएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो गन्ना, गन्ना खाइएगा तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। शकरकंद, आलू, मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल, आम, पपीता, ये सब चीज़ जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। यानी कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी लग रही है तो आपको इन चीज़ों का सेवन प्रचुर मात्रा में करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बात ये है कि चावल, ठीक है ना, उसके बाद आम, पपीता, गेहूं, ये सारी चीज़ें में, विटामिन्स में भी ये सारी चीज़ें पाई जाती है सब स्रोत में। अब जैसे कि देखिए चावल और गेहूं, है ना, विटामिन बी पाया जाता है चावल और गेहूं में, और ये इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है ना। आम, यहाँ पर देखिए कि आम विटामिन ए पाया जाता है, आम, आम में विटामिन ए पाया जाता है, ये भी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो सारी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट, हमको अगर शरीर में कमी लगे तो कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए हम गन्ना, शकरकंद, आलू, मक्का, गेहूं, बाजरा, चावल, आम और पपीता का सेवन कर सकते हैं, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी कभी भी नहीं होगी। अब प्रोटीन का कुछ स्रोत होता है। अब हमारे शरीर को प्रोटीन भी चाहिए। भाई प्रोटीन कहाँ से आएंगे, हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ से आएंगे? तो प्रोटीन के भी कुछ स्रोत होते हैं। तो प्रोटीन के दो स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पादप स्रोत क्या होता है, वैसा स्रोत जो पेड़ पौधों से हमको प्राप्त होता है। खाने की वस्तुएं जो हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ना, उसको हम कहते हैं पादप स्रोत। और खाने की वस्तुएं जो हमको जीव जंतु से प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं जंतु स्रोत। समझ में आ रहा है बात? तो पादप स्रोत और जंतु स्रोत दो प्रकार के होते हैं। अब देख लीजिए पादप स्रोत में हमको क्या क्या, है ना, अगर हमको प्रोटीन चाहिए तो पादप स्रोत के जरिए हम क्या खाएंगे कि हमारे शरीर को प्रोटीन मिलेगा। तो देख लीजिए चना, मूंग, तुअर, राजमा, मटर, सोयाबीन, अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में क्या चीज की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की, प्रोटीन की कमी नहीं होगी। और इस चीजों को हम कौन सा स्रोत कहते हैं, पादप स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप स्रोत कहते हैं। अब देखिए एक होता है जंतु स्रोत, जो हमने यहाँ पे बताया आपको, जंतु स्रोत यानी कि जो हमको जंतु से प्राप्त होता है। तो हमको जीव जंतु से क्या प्राप्त होता है, दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, है ना, आप लोग अक्सर पीते हैं, खाते हैं। पनीर, पनीर कहाँ से आता है, हाँ दूध से बनता है, दूध गाय भैंस से आता है तो जंतु का स्रोत ही हो गया। मांस, मुर्गा खाते हैं, खस्सी खाते हैं ना, हाँ तो वो हो गया मांस। मछली, अंडा, ये सब चीजें जंतु स्रोत है क्योंकि ये जंतु से आता है। और अगर हम इसका सेवन नियमित रूप से करते हैं तो हमारे शरीर में किस चीज की कमी नहीं होगी, प्रोटीन की कमी कभी नहीं होगी। देखिए भाई प्रोटीन तो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब कुछ चीजें कहते हैं हम तो शाकाहारी है, हम मीट मछली खाए नहीं करते हैं। तो जो मीट मछली नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी है, वो इन चीजों का सेवन करे भाई, इन सब चीजों को खाइए। और जो मीट मछली खाते हैं वो दबा के खाइए इन चीजों को, हैं, मछली रोज, खस्सी रोज चलेगा, मुर्गा रोज चलेगा, अंडा रोज चलेगा, क्या दिक्कत है, आपका शरीर में प्रोटीन का कमी नहीं होगा। बस समझ गए ना। चलिए अब अगला है विटामिन्स। अब हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी होती है तो कौन सा विटामिन हमको किस चीज में मिलेगा, क्या चीज खाएंगे तो हमको कौन सा विटामिन मिलेगा। तो जैसे कि अगर हमको विटामिन ए लेना है तो हम क्या खाएंगे, मछली तेल, मछली का तेल होता है, है ना, दूध, पपीता, गाजर, आम। अगर आप इन चीजों को खाते हैं तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा, ए। अगर आपको कोई पूछे बताओ तो बुआ मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है, आम में कौन सा विटामिन होता है, पपीता में कौन सा विटामिन होता है, सब में कौन सा विटामिन होता है, ए। दूध रोज पीते हैं बताइए तो दूध में कौन सा विटामिन होता है, ए। समझदार हो रहे हैं आप लोग ना। चलिए अब देखिए विटामिन बी। विटामिन बी के कौन से स्रोत हैं, हमको क्या खाएंगे पिएंगे कि हमको विटामिन बी मिलेगा, ठीक है ना। गेहूं, चावल और यकृत, गेहूं खाते हैं, गेहूं खाते हैं, कौन कौन गेहूं खाता है, हाथ उठा,
खुशबू गेहूं खाती है, नहीं हंस रही है, और कौन गेहूं खाता है? सब हंस, कोई बोल नहीं रहा है। नहीं खाते हो गेहूं? नहीं खाते हो तुम लोग? क्या खाते हो? आटा खाते हो? गेहूं का आटा खाते हैं, गेहूं नहीं खाते, नहीं। हाँ तो वही, चलो गेहूं का आटा भी खाइएगा ना। आटा खाते हैं? कौन कौन आटा खाता है हाथ उठा? है कौन कौन आटा खाता है? अब बोलो, अब ये बोला है आटा खाते हैं, अब पूछ रहे हैं तो कोई बोलिए नहीं रहा है। अरे कौन कौन आटा खाता है बताओ? तो क्या खाते हो? आटा का रोटी, रोटी खाते हैं। सिर्फ रोटी है खाते हैं, पराठा नहीं खाते है? तो गेहूं से आटा बनता है, आटा से हम लोग रोटी पकाते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। तो हमको कौन सा विटामिन मिलेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि बहू बताइए तो बहुआ जी गेहूं में कौन सा विटामिन होता है? बी होता है। चावल में कौन सा विटामिन होता है? चावल कौन सा खाता है? तो उठा, ये देखो लड़की सब हाथ उठाइए, जानते तो तू लोग चावल खाती होगी, कच्चा चावल खाती है ना, इसलिए हाथ उठाइए। सब कच्चा चावल खाती है, एकदम भर दिन मुंह में धैले रहेगी, तर 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 करती रहती है, जाओ रे खूब सब। तो चलो चावल से भात बनता है ना, हम खाते हैं उसको। तो चावल में कौन सा विटामिन होता है? बी होता है। अब हो गया यकृत, बताओ यकृत कौन सब खाता है? यकृत क्या होता है जानते हो? हैं नहीं जानते हो? अरे मुर्गा का कलेजी फेफड़ा नहीं खाए हो? नहीं खाए हो, मतलब तू सब साधु बाबा है, नहीं खाता है। यकृत लीवर को बोलते हैं, जो लीवर खाता है। भाई आदमी का लीवर थोड़ी खाता है। मुर्गा कसरी खाते हो तो उसका लीवर खाते हो, मछली का खाते हो ना, तो उसको यकृत बोला जाता है। बात समझ में आया? हाँ। तो आपको हम पूछे कि बताइए तो गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? क्या बोलेंगे? बी। चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी गुड। चलिए यकृत में कौन सा विटामिन होता है? चलिए अब जानिए कि विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं, विटामिन सी हमको किन चीजों से मिलता है। ठीक है, तो विटामिन सी हमको किन चीजों से मिलता है ये चीजें जान लीजिए। अमरूद, अमरूद खाते हैं ना? अमरूद कौन सब खाता है? अच्छा चलो, अमधुर कौन सब खाता है? अमधुर सब खाता है, अमरूद कोई नहीं खाता है। अरे बेवकूफ, जिसको तुम अमधुर बोलते हो हिंदी में उसको अमरूद बोला जाता है, इंग्लिश में गुआवा बोला जाता है। अमरूद खाते हो ना? हाँ। तो अमरूद में कौन सा विटामिन होता है? सी, विटामिन सी। चलिए नींबू, नींबू खाते हैं? सब खाते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन होता है? सी। संतरा खाते हैं? संतरा में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, है ना। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन होता है? वेरी गुड। मिर्ची में कौन सा विटामिन होता है? मिर्ची कौन कौन खाता है? मिर्ची कोई नहीं खाता है, खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, है ना। मिर्ची खाओगे तो ना विटामिन सी मिलेगा, मिर्ची नहीं खाओगे विटामिन सी की कमी हो जाएगी शरीर में, बीमार पड़ जाओगे, है ना। चलो अब देखो विटामिन डी के स्रोत, अब हम क्या खाएंगे कि हमको विटामिन डी मिलेगा, ठीक है ना। दूध, दूध खाएंगे हमको क्या मिलेगा? विटामिन डी, ताकत बढ़ता है ना। मक्खन, मक्खन, अंडा, मछली, अब फिर से आया यकृत। यकृत में विटामिन बी भी होता है और विटामिन डी भी होता है। देखो एक एक चीज को समझो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ तो कौन ऐसा चीज होता है जो विटामिन बी भी, उसमें विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, तो बताओ किसका नाम बताओगे? यकृत का, कि यकृत विटामिन डी भी पाया जाता है और यकृत में विटामिन बी भी पाया जाता है, समझ गए ना। तो जब हम पढ़ते हैं तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें नजर रखनी है, ठीक है। तो इन चीजों से हमको मिलता है विटामिन डी। अब बउआ खाने की बात तो समझ गए कि कौन चीज खाएंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा, प्रोटीन कैसे मिलेगा, वसा कैसे मिलेगा। अगर हम ये चीजें ना खाएं तो हमको क्या होगा, अभी तो जानना जरूरी है, हाँ? बीमारी। अगर विटामिन ए कम जाए, अगर हम इन चीजों को ना खाएं, मछली का तेल या नहीं खाएंगे, है ना, दूध या नहीं पीते हैं, दूध नहीं पीते हैं, दूध बहुत खराब चीज है, पपीता ये कौन खाएगा, पपीता कचर कचर लगता है, ऐसे जो बोलता है गाजर ये कौन खाएगा गाजर, हाँ
आम सब नहीं खाएंगे, तो जो इन चीजों का सेवन नहीं करेगा उसके शरीर में किस चीज का कमी होगा? विटामिन ए का। और जब ये विटामिन ए का कमी होगा तो उसको बीमारी क्या होगा? अब आपको डॉक्टर बनाएंगे। देखिए आप अभी बताना शुरू कर देंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो विटामिन ए, और जब ये विटामिन ए आपके शरीर में कमा, यानी कि आप विटामिन ए के ये चीज नहीं खाएं, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई, आपको तुरंत बीमारी होगा। कौन सा? रतौंधी, जिसको आप कहते हैं रतौनी धले है ना, वो वाला बीमारी हो जाएगा, रतौंधी है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमको रतौंधी हो गया, रतौनी हो गया? दूसरे को तो कह देते हो रतौनी धले हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमको रतौंधी हो गया है? तो आपको क्या होगा कि आपकी आंखें कमजोर हो जाएगी, आपको दिखाई ठीक से नहीं देगा। जब ये शाम होगा आपको कम कम दिखाई देगा, कभी कभी शाम होगा तो दिखना ये बंद हो जाएगा, आपको बिल्कुल दिखेगा नहीं। तो आप समझ जाइए आपको क्या हो गया है, रतौंधी हो गया है। आ जिसको दिन में नहीं दिखाई देता उसको दिनौनी हो जाता है। नहीं चलो ठीक है। अब आप इसलिए आपको ये चीजें खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? आंख तो हमारा सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हुई हमारा आंखें गायब हो जाएगा, अब हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, ऐसे करेंगे कहाँ जाना है, और दिक्कत होगा ना। तो इस आंख को बचा के रखना है, सबसे पहले तो आपको दिखना चाहिए है ना। तो इसके लिए आपके शरीर में किस विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए? ए की कमी नहीं होनी चाहिए। और वो कम ना हो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? मछली, दूध, पपीता, गाजर, आम, इन सब चीज़, आम का सीजन आए खाओ दबा के, भले भर मुँह घाव हो जाए अलग बात है, लेकिन खाओ है ना, खूब खाओ। और दूध तो रोज एक गिलास पियो, सोने जाते हो रात में दूध पियो एकदम सो जाओ, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी आपके शरीर में नहीं होगी। ओके सबके गाय भैंसी लगता होगा दुहाता होगा सीधे फैट पर, घर एक को लोटा दूध नहीं रहता। आज से बोला मम्मी हमारा ले ले गिलास रख दो बाकी बेच दो, ठीक है ना, तनी प्यार से बोला ना तो कूट ना दे, कहिए दूध पिएगा, पढ़ाई लिखाई करवे नहीं करता है, दूध पिएगा मंगनी में मारेगी, पैसों नहीं लेगी, ठीक है। चलो तो विटामिन ए के स्रोत की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? अरे विटामिन ए आपके शरीर में कम जाए तो आपको कौन सा बीमारी होगा? हाँ रतौंधी हो जाएगा, ठीक है ना। रतौंधी होता है वो कैसे पता चलेगा आपको कि रतौंधी हो गया है? कम दिखाई देगा, रात होते ही आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, समझ गया ना। चलिए विटामिन ए कंप्लीट। अब देखिए विटामिन बी, अगर विटामिन बी कम जाए, अगर आपके शरीर में विटामिन बी कम जाए तो कौन सा बीमारी होगा, है ना। बेरी बेरी एक बीमारी का नाम है जिसका नाम है बेरी बेरी, ठीक है ना, बेरी बेरी नाम के रोग हो जाता है। अब यह रोग विटामिन बी के कमी के कारण होता है, यानी कि आपके शरीर में विटामिन बी बना रहे इसके लिए आपको क्या खाना होगा? गेहूं, चावल और यकृत, इन चीजों को खाएंगे आपके शरीर में विटामिन बी की कमी नहीं होगी, है ना, और आपको बेरी बेरी नाम का रोग भी नहीं होगा। और ये रोग आपको कैसे पता चलेगा कि आपको बेरी बेरी रोग हो गया है, ठीक है ना। तो आपकी दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, आपकी पेशियां मांसपेशियां, आपकी पेशियां जो है क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और आपको काम करने का मन नहीं करेगा, मन करेगा भर दिन सुतल रहे हैं, भले मम्मी दो गाली दे रही है सुतल है चद्दर तान के पंखा चला के, आपको काम करने का मन ही नहीं करेगा। ऐसा है आप लोगों में से किसी के साथ कि काम करने का मन नहीं करता है, मन करता है भर दिन सुतल रहे है? करता है ना। तो जिस जिसको ये वाला लक्षण है समझ जाओ विटामिन बी की कमी है, आज से गेहूं चावल खाना शुरू कर दो, है ना, शरीर मजबूत हो जाएगा। चलो ठीक है। अब देखो विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होगा? चलो अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको कौन सा बीमारी होगा, इन चीजों को देखिए, है ना। मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, और जो बीमारी होगा उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से जो आपके शरीर में रोग होगा उसको क्या कहते हैं? स्कर्वी। अब स्कर्वी रोग होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कर्वी हो गया है, है ना। आपके मसूरे फूलने लगेगी, दांत का जो मसूरा चौह जिसको बोलते हैं ना, ये मसूरे फूलने लगेगी, इसमें से ब्लड आने लगेगा, ठीक है ना। और आपका घाव अगर हो जाता है शरीर में कहीं भी तो उसको ठीक होने में
ज्यादा समय लगेगा। तो आप समझ जाइए आपको कौन सा बीमारी हो गया है और कौन से विटामिन की कमी से हो गया है, विटामिन सी की कमी से हो गया है। तो विटामिन सी आपके शरीर में ना कमे इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, और 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 मिर्ची सब नहीं बोला है, हम जानते हैं सब मिर्ची नहीं खाएगा, है ना। तो विटामिन सी की कमी के कारण हमको जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, स्कर्वी, ठीक है ना। और उससे जो लक्षण होते हैं वो भी आप जान गए। चलिए अब हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी के कारण। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो आपको कौन सा रोग होगा। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, तो आपका जो रोग होगा उसका उसका नाम है रिकेटस। क्या नाम है, रिकेटस। और उसका लक्षण क्या होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुरझाना, आपकी जो हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाएगी रबर की तरह मुलायम, और वो टेढ़ा हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का हाथ पैर देखते हुएगा कि टेढ़ हो जाता है ना। तो उसके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और उसका हड्डी नरम होकर के जहां तहां से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो उसको कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है, तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए, दूध, मक्खन, अंडा, मछली और यकृत, है ना। आप अगर इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में किस विटामिन की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, और आपका हड्डी मजबूत रहेगा। किसी को मारो एक मुक्का वहीं पे समाप्त नहीं, नहीं तो तुम खुद चलोगे, गिर गए तो तुम्हारा हड्डी टेढ़ हो जाएगा, अब टूटेगा, मम्मी टूट गया। तो उसको मजबूत रखना है तो रोज दूध दही मक्खन खाओ, तंदुरुस्त रहो, ठीक है ना। तो चलो चारों विटामिन के बारे में तो जान गए। अब हमारे शरीर में कुछ लवण भी है, खनिज भी है, खनिज कुछ खनिज हैं जो कमी हो जाए तो भी हमको बीमारी होती है। अब वो चीज़ें क्या है ये समझिए। तो कैल्शियम, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, तो अस्थि और दंत क्षय, है ना। अस्थि जो है आपका कमजोर होने लगती है, ठीक है ना, टूटने लगती है, थोड़ा देर से भी गिरे आपका हड्डी टूट गया, अस्थि मतलब हड्डी टूट गया, दंत क्षय आपका दांत टूटना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों का देखते हुएगा कि 20 साल 25 साल 30 साल होता है दांत टूटना शुरू हो जाता है, दंत क्षय उसको बोलते हैं। तो वो किस चीज की कमी के कारण होता है, कैल्शियम के कमी के कारण। और ये पता कैसे चलेगा कि भाई इसको जो है कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इसका हड्डी कमजोर हो जाएगा, दांत कमजोर हो जाएगा, दांत गिरने लगेगा, है ना, टूटने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि उसके शरीर में किस चीज का कमी हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गया है, वेरी गुड। अब देखो आयोडीन, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो आपको कौन सा बीमारी होता है, तो जब आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो तो आपको होगी घेंघा रोग, जिसको कहते हैं घेघ लटकना, है ना। घेघ लटके हुए देखे हो आदमी को, यहाँ पे ना गर्दन लटक जाता है, उसको घेघ लटकना बोलते हैं। तो वह क्यों होता है, आयोडीन के कमी के कारण, समझ रहे हैं ना। अगर आयोडीन की कमी होती है तो उसके गर्दन की ग्रंथि जो है फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, यहाँ लटक जाता है, उसको हम कहते हैं घेघ लटक गया है ना। तो घेंघा रोग हो जाता है, उसमें उसका लक्षण क्या है कि गले की ग्रंथि का फूल जाना, और बच्चों में मानसिक विकृति होती है। अगर कोई बच्चा है तो उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, वो चिड़चिड़ा रहता है। तो उसके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी होती है, सॉरी विटामिन्स बोल रहे हैं, कौन सा खनिज की कमी होती है, आयोडीन। चलिए अब एक खनिज है लौह, लौह मतलब लोहा, जिसको आयरन भी बोला जाता है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, तो अगर आयरन की कमी होती है तो हमारे शरीर में अल्प रक्तता हो जाता है। अल्प रक्तता मतलब खून की कमी, जब भी हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कमेगा हमें कौन सी बीमारी होगी, खून की कमी हो जाएगी, अल्प रक्तता हो जाएगी। और जब आपके शरीर में हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें क्या हो जाता है, कमजोरी हो जाता है, हमको कमजोरी महसूस होने लगता है, उठने का मन नहीं करेगा, मन करेगा भर दिन बेड पर पड़ल रहे, हिलने डुलने का मन नहीं करेगा, है ना। तो ये सब सारी बीमारियां हमको हो जाती है किसके कारण, लौह के कमी के कारण, यानी कि आयरन के कमी के कारण। बात समझ में आया, सभी चीज अच्छे से समझ में आया आप लोग को कि नहीं आया, आया ना, चलो ठीक।